हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद ज़िंदगी को कैसे गुजारें और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं। जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो हर किसी के लिए प्यार एक बेहतरीन एहसास होता है जब उनका पार्टनर उनके साथ होता है। लेकिन जब भी किसी भी रीज़न से रिश्ता टूटता है तो ज़िंदगी में कुछ हिस्सा बिखर सा जाता है और उसे समेटने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिसको वापस कवर अप करने के लिए कई बार महीने या साल भी लग जाते हैं। तो कैसे आप ब्रेकअप से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? पहला है कि नाकामी। जब भी किसी रीज़न से या किसी भी बात से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो खुद की नाकामी ना समझें। मान लें कि आपका और उनका साथ यहीं तक था, जिंदगी भर का नहीं था, और ब्रेकअप को एक्सेप्ट करें। मान लें कि अब आप दोनों अलग अलग हैं और खुद को गिल्टी मत माने और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें। कमजोर ब्रेकअप चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, लेकिन खुद को कसूरवार और जिम्मेवार ठहराना बंद करें। और अगर आप ये एहसास करते रहोगे तो आप और कमज़ोर होते रहोगे और खुद को मोटिवेट करें। इसके साथ साथ ही जो कड़वी यादें हैं उनको भुलाकर कॉन्फिडेंस से आगे की ज़िंदगी जिएं। माहौल बदलें। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, माहौल बदलें। एक ही जगह पर रहकर अगर आप उसी चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए या लाइफ के लिए वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल को बदलें और किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर जाए, ट्रैवलिंग पर प्लान करें, स्किल क्लासेस करें या कोई बुक्स आप रेगुलर रीड आउट करना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ मन में अगर आपकी पॉजिटिविटी आएगी तो लाइफ को जीने का एक सही दिशा आपको मिल पाएगी। जी तो ये थी आज से रिलेटेड हमारी एक वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।